ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 जन्मों की बादशाही देने वाले बाप दादा के 21 तरीके महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान के तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारे दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ दो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर पर, सिर से जो पापों का बोझ है वो उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने समझाया है, कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या असुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं कहाँ? सतयुगी। और आसुरी गुण वाले कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है, दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों की समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, 84 जन्मों की सीढ़ी। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें क्या चाहिए? बाण में जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, धार, वो धार धार नहीं जिसे काटा न जाए, वो प्यार प्यार नहीं जिसको बांटा न जाए। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। उदाहरण के लिए बाबा को याद आई, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, देखो तो बाबा कहते हैं उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई दो पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है लेकिन योग का जौहर बहुत कम है। जो बांधे लिया है, गरीब है, वो शिव बाबा को बहुत बहुत याद करती है। उनमें ज्ञान कम है लेकिन योग का जौहर बहुत है। वो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बढ़ रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, अर्जुन से भी भील तीखा गया, तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जो सेंटर पर रहते हैं उनसे भी घर वाले तीखे हो जाते हैं स्टडी करके। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भाभी कोई फेल होते या देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ साथ योग का भी बहुत ही जौहर होना चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुकुड़ ज्ञानी है, वो तो सारी दुनिया में पड़े हैं। कुकुड़ ज्ञानी, कुकुड़ ज्ञानी, कुकुड़ क्या करता है? हाँ, कुकुड़ कू करता है, सबको जगा देता है और फिर जाके सो जाता है। ऐसे हमें नहीं बनना है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसमें प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर में खिटखिट होती रहती है स्वभाव संस्कारों की। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते नहीं। एक बाबा से ही प्रीत है तब तो गाया भी जाता है, कम कारड़े या हाथ कारड़े दिल यारड़े। हाथ से हम काम कर रहे हैं लेकिन दिल शिव बाबा के पास है। ऑफिस आदि में भी काम करते बुद्धि में याद रहे मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा है? मास्टर सर्वशक्तिवान है, स्वराज अधिकारी है, राज ऋषि है, एक दो टाइटल दिए क्या बाबा ने? अनगिनत टाइटल्स हम बच्चों को दिए हैं, इसी टाइटल से खुद को श्रृंगारना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करते रहो, भक्ति मार्ग में कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद जरूर करते हैं। वो तो है पत्थर का बुत,
उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर, ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही है। बस एक ही समय पर होते हैं, ज्ञान सागर आते हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उनको शरीर भी जरूर चाहिए ना, जो बात कर सके। बाकी पानी की तो कोई बात नहीं, यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति, भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतिर पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही है एक बार, जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि चाहिए, है ना। एकांत में विचार सागर मंथन भी करना पड़ेगा। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं, बाबा की बेटियां बच्चियां बहुत है, लाखों है, ज्ञान सुनाती रहती है। वो तो है ही सदगति कर सकती है, वही तो सदगति करेगी। पानी में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बन सकता है, ज्ञान होता है संगम युग पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख होना चाहिए, शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी है, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज, तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो ब्रह्मा बाबा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को ही समझाते हैं ना। तुम सतयुग में कितने सुखी थे, याद है? चलो सतयुग में कितने संपत्तिवान धनवान थे, अभी कितने दुखी और कंगाल बन पड़े हो। यह है ही बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह सब है भक्ति मार्ग। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता भी नहीं हूँ, वो तो है ही ज्ञान का सागर। तो शास्त्र पढ़ना ही भक्ति है। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, अब बाबा को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की भी नहीं सुनेंगे। हमने ये भक्ति मार्ग में बहुत प्रतिज्ञा की है भगवान के सामने, हम भगवान आपका ही सुनेंगे, एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते अभी मैं आया हूँ, जो वादे किए हैं वो निभा करके दिखाओ मुझे। तो बाप को याद करो तो तुम देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। अब बाबा तुमको अपना वायदा याद दिलाते हैं। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है ही एम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माना हमारा ये ध्येय है। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाबा सब बातें समझाते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई बात पर झगड़ा कलह होता है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? जो बाबा के ज्ञान में युगल आते हैं उनको बाबा पूछ रहे हैं, सब कुछ ठीक में चल रहा है ना। चरण बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे,
मोश तो नहीं, अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में भी बहुत ज्ञान योग में दिखे जाएंगे और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र पसंद नहीं आते हैं, बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं, फिल्म के भी बड़े बड़े पोस्टर्स बना करके रखते हैं ना, ताकि सब देख सके। ऐसे बाबा कहते बड़े बड़े चित्र बनाओ जो बिल्कुल ख़राब न हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसे जगह पर रखो ना कि सबके नज़र जाए उसके ऊपर। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में वो खराब न हो। देखो बाबा अब युक्तियाँ बता रहे सेवा करने की। सीट पर अच्छा मुख्य स्थानों पर रख दो, जो बस स्टैंड होता है या हमारा नुक्कड़ 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 पे भी देखो बड़े बड़े ऐसे कॉर्नर होते हैं जहाँ पर ये वंदे मातरम चौक है या कोई चौक है, तो वहाँ आप से रख सकते हो। मुख्य स्थानों पर रखो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो चित्र तीन काफ़ी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए, भल 8-10 आदमी उठा करके रखे उसको, कोई भी दूर से देखे तो एकदम ही क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में और इतने सब धर्म होते नहीं, वह तो आते हैं बाद में। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब है स्वर्ग या नरक तुम इस पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर ही पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपने राजा स्थापन कर लेते हो, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ भी देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने वे पढ़ाई छोड़ दी है, फिर वह स्वर्ग में भी आएंगे क्या? आएंगे, लेकिन पद तो कम मिलेगा ना, इतना सुना है तो आएंगे जरूर। मैं विश्व का मालिक, मेरे से दो कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चल करके ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है, हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, उत्तम से उत्तम पुरुष है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई 84 जन्म लेते लेते। और फिर हमने राज्य भाग्य भी गवाया, हीरे जैसा थे बाबा कहते हैं। जब सतो प्रधान थे तब तो पूछते नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को भी पूजने लगेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वह ओ ही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर के ज्ञान देते हैं तो फिर दिन शुरू हो जाता है, ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र बन जाते हैं। अब कोई देवता नहीं है, कोई देवता कह सकता है खुद को मैं देवी हूँ देवता हूँ? आसुरी गुण सारे काम कर रहे हैं, तो बाबा कहते उसको अभी खत्म करो, देवताओं के गुण जागृत करो। यही तो सच्चा जागरण है महाशिवरात्रि का, और कौन सा जागरण है भाई? यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा तो सतयुग में नहीं होते, वो मनुष्य है ना। शिव बाबा कोई शिव कहा जाता है इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता इसमें, शिव बाबा आते हैं, वो ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनानी चाहिए, अच्छे बड़े बड़े, इसमें लिखत के काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं,
ज्ञान का सागर है या उनसे निकली हुई हम सभी ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो खुद पवित्र बन रही है औरों को बना रही है। इनको ही बाबा ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं इनकी क्रिमिनल आय है तो समझ जाते हैं यह यहाँ चल नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यहाँ कोई विरला ही ये सारी बातें समझता है। बहुत बुद्धू बैठते हैं और बाबा को फिर फारकती भी दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेगी, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाले अभी कौन कौन चाहिए वहाँ देखो, बर्तन साफ करने वाली, काना को खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी। माताएं भी बहुत प्यारा गीत भी बनाती हैं, कान्हा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनको प्यार से खिलाती हूँ, फिर कैसे वो भी आप YouTube पे देख सकते हैं। 88 ईयर्स ओल्ड हैं माता जी और उन्होंने वो कृष्ण का गीत बहुत अच्छा गाया हुआ है, आप देख सकते हैं बाबा कुमारी YouTube चैनल पर जा करके। तो बाबा कहते हैं कि साफ करने वाली भी होती है सफाई वाली, यहाँ से निकलेगी फर्स्ट नंबर वाली, जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भाषण आती है बाबा को, बच्चों से भाषण आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, लेकिन बाबा कहते योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है ज्ञान मार्ग में, एक ज्ञान में है कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं चलता है, एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है, पिछाड़े में तुम दुनिया को भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है यह बगुला है, किसमें कोई अवगुण किसमें कोई, चटाबेटी तो चलती रहती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च उच्च से उच्च पद पा सकते हैं, गरीब जो है वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। यह तो पता है ना कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में बहुत सारी बहनें भी कुछ लेके नहीं आई, गरीब है तो, लेकिन यहाँ आकर के हड्डी हड्डी सेवा में लगाई, बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं। बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। इसलिए बाबा कहते गरीब ही बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे शिक्षा दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, एक बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस पर उच्च पद लेना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करो, ये नहीं बोलो करने वाली नहीं कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत ही मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है
विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो ऐसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।